125 रन का जो लक्ष्य रखा था अफगानिस्तान ने उनके सामने वो हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट की जीत हासिल की है आज न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान पर। तो ग्रुप 2 से अब सेमीफाइनल में जाएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें, और भारतीय टीम का सिर्फ एक मात्र मैच बचा है नामीबिया के खिलाफ, ये मैच कल खेला जाएगा। लेकिन अब इसका ये मतलब साफ है कि चाहे कितना ही अच्छा नेट रन रेट हो जाए, पॉइंट्स के मामले में आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से पीछे हैं, तो आप आगे सेमीफाइनल पर नहीं जा पाएंगे। विवेक जी हाँ प्रीति, और इसके साथ साथ एक चीज और है कि रवि शास्त्री का बतौर भारतीय कोच कल आखिरी मुकाबला होगा, और कल विराट कोहली बतौर T20 कप्तान अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप से टीम इंडिया बाहर हो चुकी है, 2007 से लेकर उसके बाद कभी भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप T20 नहीं जीत पाई है, और ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। 14 साल का वनवास अब और भी लंबा होगा, अगले साल तक ये वनवास चलेगा क्योंकि इस साल भी बाहर हो चुकी है प्रीति। और अगर कोई सही मायने में भारत ने जो मैच हारा पाकिस्तान से, जो मैच हारा न्यूजीलैंड से, उसके बाद भारत लकी होता अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचता। अगर वाकई में कोई टीम अनलकी है तो वो शायद साउथ अफ्रीका है, जो 5 में से 4 मैच जीत के भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो टीम इंडिया 2 पूरे मैच के बाद क्वालिफाई कैसे हो सकती है, और ये सबसे बड़ा सबक है सेलेक्टर्स के लिए, सबसे बड़ा सेलेक्टर्स ये सबक है टीम मैनेजमेंट के लिए, और सबसे बड़ा सबक है ये BCCI के लिए भी कि आप कैसे स्केड्यूलिंग करते हो। जब एक T20 टूर्नामेंट के लिए ओलंपिक्स की तरह एथलीट पीक करते हैं सही मौके पर, उसी तरीके से BCCI को बार बार ये कहा जाता है कि IPL और वर्ल्ड कप बैक टू बैक नहीं होने चाहिए।